हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबको बता दूँ कि मैं अभी फ़िलहाल काठमांडू में हूँ और काठमांडू में आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, पर आज फाइनली हम लोग बाहर जा रहे हैं। और गेस व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं सोइम्बू एंड हमारे साथ है मम्मी अनीशा और एक सिस्टर ऑलरेडी है, और ये रहा आरव जो कि इन्होंने लिया है। आरव सोया हुआ था और हमने आरव को उठा के लेके आए हैं, जो कि वो चलने बिल्कुल नहीं मान रहा है। और ऐसा ये इधर लिपटा, हेलो, ये इधर आरव ऐसा लिपटा पड़ा सोने के एक्टिंग कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, आज का मौसम बहुत अच्छा है। हम थोड़े लेट निकले हैं, अभी 3 बज रहा ऑलमोस्ट, पर इस टाइम पे ठीक है, इतना ज़्यादा धूप नहीं है। और हाँ, ऐसे नीचे जाने के बाद मेरे मामा की लड़की है, 2 जन है, और वो लोग भी हमारे साथ आएंगे और मिलते हैं हम लोग वहाँ पहुँच के। चलाएंगे करके ऐसा आँख बंद बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा, देख रहे कितना बच्चा चालाक है ये। अभी फ़िलहाल हम लोग बस के अंदर है और बस ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने पूरा खरीद लिया, क्योंकि बस पूरा खाली है। बस निकलेगा तो हम लोग माचा पोखरी पहुँचेंगे, वहाँ से फिर हमें दूसरा बस करना पड़ेगा। अभी हम लोग माचा पोखरी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम जेनिसा का वेट कर रहे हैं, जो कि वो आ नहीं रहे हैं। 2 मिनट वेट करते हैं उसका, उसको कॉल किया, वो आ ही रहे हैं जस्ट। अच्छा कितनी इतना दिन से हमारे हम लोग अभी सोइम्बू पहुंच चुके हैं और गाड़ी से उतर के थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है अभी इस टाइम पे। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है। जहाँ से हम लोग एंट्री होते हैं वहाँ से डायरेक्ट सीधा जो है ये स्टैचू है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी इस टाइम पे बहुत पब्लिक है फ़ोटो खींचने के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटो निकाला जाता है, जो कि फेमस है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ रोज़ बहुत भीड़ होती है। अगर आप आउट ऑफ नेपाल से हो तो आपको यहाँ पे टिकट भी लगता है, और हाँ इंडिया से या कोई और टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट लेके जाना पड़ता है, पर हम नेपाली लोगों को नहीं लगता है। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, वहाँ से हमें व्यू देखने मिलेगा जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। तो चलिए चलते ऊपर, फिर हम आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि इसको रोल करते करते जब मंत्र बोलते हैं, जो भी बुद्धिस्ट धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, मुझे मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, इसका जो जाप होता है कुछ इस तरीके से होता है, ओम मने पेमे ऐसा कुछ जाप होता है। आई एम रियली सॉरी अगर मैं रॉन्ग हुई तो। एंड हाँ, ये बहुत पीसफुल रहता है। और खंग सर ये मनांग में है, सेम ऐसा ही मनांग में है, और इसका छोटा सा यहाँ पे बना के इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ये मनांग में ऐसा बड़ा सा है बुद्ध का, अगर हाँ यहाँ पे इतना ये खूबसूरत लग रहा है और मनांग में जाएंगे तो कितना खूबसूरत होगा ना। ये कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कि ये जो मैं ये सोच रही थी कि मैं अकेला काठमांडू कैसा अभी घूमूंगी, पर मैं मुंबई से ये सोच के आई थी कि मैं डेली बाहर निकलूंगी और घूमूंगी और डेली घूमूंगी, पर मैं यहाँ आने के बाद अकेली पड़ गई, क्योंकि सारे जन जॉब करते हैं और मेरे दोस्त लोग कुछ दूर रहते हैं और जो नज़दीक में रहते हैं वो जॉब करते हैं, और इसीलिए मैं इतने दिनों से बाहर निकल नहीं पा रही थी। और फाइनली आज हम लोग बाहर निकले, सभी जन साथ में आए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मौसम भी अच्छा है, क्योंकि नेपाल का मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी बारिश हो सकता है, पर अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा मौसम है और सच्ची बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ के वाइब्स बहुत अच्छी है। तो ये कुछ इस तरीके से है यहाँ का। इधर से पीछे से जाने का रास्ता है पर अभी उधर बंद है, तो हम अभी सामने से ही निकल के जाएंगे और बस ऊपर जाके दिखाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। ऑलरेडी मैंने दो बार बोल चुकी हूँ ऊपर अच्छा है, तो चल के दिखाती हूँ। सामने बेबी बुद्धा है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप भी कितने क्यूट लग रहे हो। काठमांडू में स्वयंभूनाथ सबसे ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत फेमस है, और आज तो शनिवार का दिन है इसीलिए भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अब देख सकते हो यहाँ पे ऐसा मार्केट भी लगा रहता है, जो कि यहाँ पे बाहर से थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है, कम भी हो सकता है, पर लोगों को यहाँ के सामान बहुत पसंद आते हैं। थोड़ा सा ही चली हूँ तो मेरे सांस फूलने लग गए, और अभी तो लोगों को रिटर्न आने का टाइम हो गया क्योंकि 3:30 ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी हम लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंच के मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे कुछ ऐसा मंकी भी है, ऐसा हम कोई भी सामान यहाँ पे हाथ में लेके आए ना तो अपना सामान का ख्याल हम खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बंदर स्पेशली आपके हाथ से सामान छीन के लेके जाते हैं, तो अपना सामान का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। तेरे भीड़ हो के यहाँ पर ऐसे ही नजारा ये साइड में भी, तो आप में अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे लोगों की कितना भीड़ है। नीचे से मैं आप लोगों को नीचे दिखाती हूँ, हम लोग कहाँ से चल चल के वहाँ से ऊपर आ चुके और अभी हम लोग मिडिल में पहुँच चुके हैं। कुछ यहाँ पे इस तरीके से नज़ारा है। ये इधर से हम लोग बाइक या गाड़ी टैक्सी बस में हम लोग आ सकते हैं ऊपर जाने के लिए, और तकलीफ समझ सकते हो। जब भी मैं ब्लॉगिंग करने के लिए बाहर आती हूँ मेरे फ़ोन में पता नहीं इतनी जल्दी चार्ज कैसे ख़त्म होती है और मेरा बीजो कैसे कुछ ऐसा चल रहा है, लगा के माइक निकाल दी हूँ, पता नहीं मेरा साउंड कैसा आया। यहाँ पे नीचे से चल चल के आने की वजह से सांस एकदम फूलने लग गया मेरा, क्योंकि चलने की इतनी आदत नहीं है ना, सो मैं थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है, पर मैं चल लेती हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि ये जो रोड है यहाँ पर आप 4-व्हीलर 2-व्हीलर लेके आ सकते हो, और वो लेके आने के बाद आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो। यहाँ पर पार्क करने के बाद इसके अंदर से जाके हम यहाँ पे, ये है हिल टॉप और यहाँ पे अभी हमें जाना है, और हाँ अभी इतना चढ़ लिया और यहाँ से थोड़ा और चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँचेंगे जहाँ पर हमें व्यू मिलेगा जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। अभी तो सर हम बेस्ट टाइम पे आए, शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है, सो चलते। जेनिसा का बोलना है कि यहाँ पर बहुत ही टेस्टी पानी पूरी और चटपटे मिलता है, तो सो हम हमारी चटपटी तो पार्टी हो रही है अभी। यहाँ पे चमचा का शॉर्टेज हो गया तो हमें ये मिल रहा है चमचा बनाने के लिए, और इतना सा चटपट जो है यहाँ पे 100 रुपए में मिल रहा है, और ये आई थिंक 100 रुपए का ये पानी पूरी है और ये 100 रुपए का है, और खाने हम लोग इतने सारे खाने के लिए। यहाँ पर हम इसके वजह से आए थे, इसने बोली थी कि ऊपर बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, और जाके हमें चम्मच भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, चम्मच गिर गया। मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर अच्छा नहीं हुआ अच्छा ही है, अगर अच्छा नहीं हुआ सिंह बुरा नहीं बोल सकते। अच्छा बच गए तो हाँ राम रहे ना। ये मेरी मामा की बेटी है और हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, और अभी ये काठमांडू, पहले मैं काठमांडू में रहती थी तब ये काठमांडू आई नहीं, और जब मेरी शादी होकर गई मैं तब ये आई काठमांडू, और हमारा हम तब से अलग अलग है। जब भी मैं काठमांडू आती तभी हम दोनों का मिलना होता है, और अभी बहुत जल्दी विदेश जाने वाले, पता नहीं अब कब मिलेंगे हम लोग, और शायद हम लोगों का लास्ट मिलना भी हो सकता है। और हाँ बस हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड भी है बचपन से। हाँ अभी यहाँ से अंदर एंट्री है, यहाँ से जाके हम ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग इस गेट से अंदर आ चुके हैं, अभी हमें यहाँ से
ऊपर जाना है कुछ इस तरीके से, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाना है और हम लोग यहाँ पर बीचों बीच है। यहाँ पे एक मान्यता है कि अभी तो मुझे यहाँ से दिख रहा भी नहीं है, थोड़ा सा जगह चाहिए। यहाँ से अगर हम कोइन होता है, अगर कोइन को हम उसमें डालेंगे ना तो हमारी विश पूरा होती है, ऐसा यहाँ का मान्यता है। सो मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ पे कोइन मिलेगा, और लेकर ट्राई करते हैं यहाँ पे कोइन डालने का। पहले ना यहाँ पर सिक्का रखा करते थे कोइन, और उसको हम 20 रुपया दे के हमें 20 कोइन मिलता था, और वो कोइन हम लोग यहाँ पे डाल सकते थे। पर अभी 3 महीने से कोइन देना बंद कर दिया, और जिसके पास कोइन है वही डाल पाता है यहाँ पे, और अभी मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं डाल पाऊँगी इसमें। सो अभी चलते ऊपर, अभी क्योंकि कोइन तो है नहीं मेरे पास, तो अभी क्या ही डालेंगे। तो चलते जाए हम लोग, चले चलो। मम्मी आरव को और अनीसा को लेके यहीं रहने वाली, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा चढ़ाव है तो मम्मी नहीं चढ़ पाएगी। मम्मी बोल रही कि मैं ऑलरेडी पहले भी आई हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी, हम तीनों जाते और वीडियो भी बनाते। यहाँ पे कुछ ऐसे दुकान है, और इन दुकानों में कुछ इस तरीके से सामान मिलेगा। ये आप लोगों ने ऑनलाइन बहुत बार देखा होगा। इसका खास में क्या होता है, अगर जब भी आप स्वयंभू आओ और आप ये खरीद सकते, इसका क्या रहता है इसका मेन? ये मेडिटेशन वाले जी, मेडिटेशन। आप साउंड सुन सकते हो, एक सेकेंड है। साउंड बहुत रिलैक्सिंग है, और ऐसे ही हमें यहाँ पे और भी स्टैचू वगैरह मिलेंगे, जैसे कि हाँ ये खुकुरी, और इसकी बहुत मान्यता है नेपाल में, गोरखाली खुकुरी करके इसको जाना जाता है। जैसे कि आपको ये मिल सकता है, इसको कुछ इस तरीके से कीचेन है, इसको इसका बड़ा भी रहता है ना, इसके साथ घुमा सकते हैं, और है ना बहुत सारी ऐसे होम डेकोरेशन के लिए चीज़ें हैं, और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मुझे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। चले यहाँ पे अभी व्यू दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, और आप लोग रेडी हो ना काठमांडू का व्यू देखने के लिए? अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पता है मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है ये देख के, काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से यहाँ अभी हम लोग बेस्ट टाइम पे आए हैं यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ पे बहुत खाली खाली मिल रहा है हम लोगों को, इसीलिए हम ये व्यू एंजॉय कर पा रहे हैं। और अभी यहाँ पे कुछ देखेंगे था, इतना खाली है, इसको तो खाली ही बोल सकते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा फोटोज़ निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग इसको धरारा है, ये धरारा है देख सकते हो, ये भूकंप के टाइम पे गिर गया था ये, और उसके बाद इसको फिर से बनाया है, और अभी उसमें जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया, पूरी तरीके से बना नहीं है, और ये पूरी तरीके से बनने के बाद ही शायद वहाँ पे जाना अलाउ करेंगे, और शायद मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तब तक वो बन जाए, और फिर हम वहाँ पे जाके दिखाऊंगे। तो हे मुंह
Hello. Hello, namaste. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for photo. Namaste. Bye. अभी हमारा ऊपर घूम के हो गया है और हम लोग नीचे उतर रहे हैं अभी. एंड सच्ची बताओ बहुत अच्छा लगा ऊपर घूम के और ये मुझे बहुत ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि कोई भी ऐसा पास हो रहा था वो ब्लॉगर सो ठीक है. एंड अच्छा लगा और हम लोग अभी नीचे हैं, नीचे आ चुके हैं. आरव क्यों ऐसा कर रहे हो? किधर चल? रनिंग आरव रनिंग हस्सा ये वीडियो को रहा हमारा बच्चा लेके आने का. रनिंग ऐसा मत कर, कौन वीडियो बना दे. रनिंग रोज आरव आरव इधर देखो आलीशान से आसे मार खाते मत. सो इंबुनाथ का वीडियो यहीं तक था एंड आज का वीडियो मैं इधर तक ही रखती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच. एंड मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना. बाय बाय.